कुछ दिनों में देश के तीन बड़े बैंकों ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। ये तीन बैंक प्राइवेट सेक्टर के ICICI, कोटक महिंद्रा और सरकारी में बैंक ऑफ बड़ौदा है। इन फैसलों का करोड़ों ग्राहकों पर असर होगा। चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी बताते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने नए ग्राहकों के लिए कर्ज पर रिस्क प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। आसान भाषा में समझे तो नए ग्राहकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में कर्ज लेना महंगा पड़ेगा। इसके अलावा बैंक ने कर्ज देने की शर्तों में अच्छे क्रेडिट स्कोर को भी शामिल कर दिया है। मतलब ये कि जिसका जितना बेहतर क्रेडिट स्कोर होगा उसे उतने कम ब्याज पर ज्यादा लोन मिलेगा, वहीं कम क्रेडिट स्कोर पर लोन की ब्याज दर ज्यादा होगी। प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक ने किसानों को कर्ज देने के लिए एक अनोखी पहल की है। दरअसल बैंक सैटेलाइट के जरिए ली गई किसानों के खेतों की तस्वीरों का आकलन करने के बाद उन्हें लोन दे रहा है। बैंक के अनुसार इससे किसानों की आर्थिक स्थिति का सही अंदाजा लगेगा और साथ ही लोन को मंजूरी देने में भी कम वक्त लगेगा। इस तकनीक से किसानों की लोन लिमिट बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी तरह हाल ही में ICICI होम फाइनेंस यानी कि ICICI HFC ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास FD स्कीम शुरू की है। इस FD स्कीम में ब्याज दरें सामान्य से ज्यादा मिल रही हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के ATM से पैसे निकालने के लिए भी डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। दरअसल बैंक ने SBI की तरह कार्डलेस नकदी निकालने की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के लिए ग्राहकों को कोटक नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप पर लॉगिन करना होगा। यहां रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, इसके बाद ही कोड जनरेट कर किसी भी ATM से कार्डलेस कैश विड्रॉल कर सकेंगे। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SBI News Room से रिपोर्ट।